मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम वहां। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप सबको एक बार फिर वेलकम करूंगी और उम्मीद है सब खुश होंगे। आज का दिन बहुत प्यारा और बहुत अच्छा दिन है। वो दिन इसलिए अच्छा है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं रसूल पाक के रोजे पर। रसूल पाक के रोजे पे जाने की ख्वाहिश बड़े अरसे से थी। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे जाए और उनकी ज़ियारत करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट उम्रा अपना कंप्लीट किया था। अब हम चलेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए जा रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे। वहां जाके हाजिरी लगाएंगे, सलाम पेश करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और जिन जिन लोगों ने मुझे सलाम पेश करने के लिए कहा है, मेरी कोशिश होगी कि मैं वहां जाके सबका सलाम पेश करूं। कबूल करने वाला खुदा है। होटल से हम निकलने लगे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पाक पर। तो मेरी आज बहुत सारी कोशिश होगी कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजती रहूं। तो आप लोग भी जहां जहां हैं, जहां जहां से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के जरूर जरूर भेजिएगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पर। तो चलते हैं वहां जाके, आपसे मिलते हैं। तो हम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर, रोजे मुबारक पर। तो गेट नंबर है 36, जहां से हम एंटर हो रहे हैं। ये एंट्री होने का रास्ता है, तो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा माशाल्लाह। तो कब कल तो लेडीज के लिए नमाज की जगह ये है और जेंट्स के लिए नमाज की जगह ये है, क्योंकि जब जमात के साथ नमाज होती है तो काफी सारी भीड़ हो जाती है, काफी सारा रश हो जाता है, जैसे कि आपने भी देखा। तो उसके लिए इन लोगों ने पार्टीशन किए हुए हैं, ये आपको ग्रीन नजर आ रहे होंगे, इन्होंने पार्टीशन किए हुए हैं अलग अलग, लेडीज अलग और जेंट्स अलग। उनका एहतराम बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं यहाँ पे जहाँ जिसको जगह मिलती है बस अल्लाह का घर है, वो नमाज पढ़ लेता है, बट ये कि बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। रियाज़ो जना में हम जाएंगे और लोगों को अदा करेंगे, क्योंकि आज का मेरा टाइम था। इंशाल्लाह 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 दो नफिल अदा करने के बाद आपसे मिलते हैं। चल के लाइन में लगेंगे, क्योंकि लाइन में बहुत ज़्यादा रश है और लाखों तादादों के हिसाब से लोग आए हुए हैं। हम भी चलेंगे और लाइन में लगेंगे चल के। देख सकते हैं लाइन्स, ये कोई एक लाइन नहीं है, दो लाइन नहीं है, बहुत सारी लाइन है और तादाद के हिसाब से लाइन है। अब यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारी अपॉइंटमेंट है या नहीं। आप देख सकते हैं सबकी चेक हो रही है, तो हम अपनी भी चेक करवाएंगे। तो यहाँ चेकिंग हमारे जोरों शोरों से चल रही है। मुझे अंदर जाने में 5 मिनट्स मोर है, उन्होंने कहा 5 मिनट वेट करें, उसके बाद है जो आप अंदर आ सकती हैं। इसके अलावा आप अंदर नहीं आ सकती हैं और फोन में नेट लाजमी चलना चाहिए, क्योंकि ऐप के बगैर ये एंट्री नहीं दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट से इनका कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अपॉइंटमेंट ये अपने किसी मशीन के थ्रू चेक कर रहे हैं, उसके बाद अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं। अच्छा, पर आपके पास अपने फोन में ऐप खुली होनी चाहिए, आपका नेट चलना चाहिए और स्क्रीनशॉट भी निकलवा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो चेक करते हैं कि हमारी पाकिस्तान की कौम जुगाड़ू है, आपको पता है वो जुगाड़ पे चलती है, तो झूठे स्क्रीनशॉट फेक वगैरह ये चीजें नहीं करिएगा। जो प्रोसेस है इनका रियल वो करके जाइएगा, तो आपको इजी रहेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे तादाद में लाइनें हैं। तो ये सबके हाथ में जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो खुला हुआ है। तो हम
हमने यहाँ से तो अपना फोन दिखा कर एंट्री ले ली, अब दूसरा गेट है वहाँ से भी एंट्री लेंगे। तो अब हम अंदर जाएंगे और पता नहीं हमारा इंतजार कब खत्म होगा। या नबी सलाम अलैका, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें एंट्री मिल गई। बहुत रिलैक्स और बहुत सुकून आ रहा है और ये मैं आपको एक्सप्लेन अल्फाजों में नहीं कर सकती हूँ। रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावात। तो ये हमें एंट्री मिल गई, शॉपर हमें इन्होंने दिए ताकि हम स्लीपर अपने रख सकें। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। Ooh.